खबरों में आगे बढ़ते हैं तो बस्तर के पत्रकारों को गांजा तस्करी के आरोप में आंध्र प्रदेश के राजमेंद्री जेल में बंद किया गया है। कांग्रेस ने इस मामले में जांच दल का गठन किया है। पूर्व मंत्री मोहन मरकाम के नेतृत्व में कांग्रेस जांच दल जेल में बंद पत्रकारों से मिले और इस घटना को बड़ी साजिश बताया, साथ ही हर हालत में उनका साथ देने और उन्हें न्याय दिलाने का आश्वासन भी दिया। कांग्रेस नेताओं ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। मोहन मरकाम ने कहा है कि ये बड़ी साजिश है। कोंटा विधायक कवासी लखना में भी गंभीर आरोप लगाए हैं। पत्रकारों को फर्जी मामले को लेकर फंसाया गया है, उनके गाड़ी में गांजा डाल के वहाँ की पुलिस प्रशासन द्वारा फंसाया गया है। हम उन पत्रकारों से मिलने आज जेल में आए थे, उनकी बातें हम सुनी है और विस्तार से हम रिपोर्ट देंगे। और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो मीडिया है, मीडिया में पत्रकारों को फंसाना एक बहुत बड़ी बात है, गंभीर मसला है, इसलिए हम उनसे मिलने आए थे, उन्होंने विस्तार से जानकारी दी है। कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र की हत्या है, प्रजातंत्र की हत्या है। जो मीडिया का चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, उसको भी दबाने का प्रयास किया जा रहा है।